नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ साथ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जाने माने जर्नलिस्ट हैं और हिंदुस्तान में संपादक रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विशेषज्ञ जी आपका। नमस्कार, अच्छा लगा आपसे जुड़ के ये बताएं। जैसा कि आप जान रहे हैं यूपी की सियासत में उठा पटक कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है और पिछला पूरा सप्ताह जो है वो योगी के साथ बैठकर होती रही। तमाम सारे ग्राफ लग रहे थे, न जाने क्या होगा। योगी दिल्ली गए, मोदी से मिले, खुद बीजेपी के जो आला कमान के लोग थे उन्होंने ट्वीट कर करके योगी की तारीफ करी। और अब आज का जो ताजा घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश में बसपा से बागी थे असलम राय के सहित के विधायकों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश से मिलने लखनऊ पहुंचे उनके रेजिडेंस पे और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी सपा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी तीन विधायक है जो अखिलेश के संपर्क में है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन सबको आप किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा शुरू में कि यूपी में चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं और दिसंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आप समझिए कि तीसरे या तीसरे सप्ताह में हो जाएगी। तो आप समझिए, ये अगर कोविड का हिसाब किताब अगर नहीं होता तो और पहले से पार्टी तैयारी में जुट गई होती। कोविड की वजह से जो है ना तैयारियां शुरू हुई हैं, लेकिन सभी पार्टी चुनाव के मोड में है इस समय, है ना। इस समय ज्यादा चिंता जो है ना आगे के चुनाव की चल रही है सरकार में भी राजनीतिक दल। तो जितने भी इन लोगों के अभी भाषण आ रहे हैं चुनाव के नजरिए से, आप उसको जो गए थे वहाँ पे मैं दिल्ली में 2 दिन के लिए और वो सब जो जी दो दिन के लिए योगी ने मुलाकात करी जो भाजपा के आला कमान है, तो सारी चुनाव उसके पीछे कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन वो सब चर्चाएं आप उसको खारिज कर दीजिए। ये है कि भाजपा पूरी तरह से जो है ना चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और बाकी दलों में उस तरह की तैयारी नहीं दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना ये जितने जो है प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो भी अपने हिसाब से गोटियां सेट करने में लगी ही हुई हैं। और ताजा घटनाक्रम आप बता रही हैं कि बसपा के 6 विधायक अभी अखिलेश जी से मिले हैं। अखिलेश का भी कोई उनकी पार्टी से कोई अधिकृत बयान तो नहीं देखने को मिला है मुझे, लेकिन मैं बताऊं बसपा की एक्टिविटी थोड़ी सबसे कम है, थोड़ी धीमी है और सभी जो है ये उनके जो पार्टी के हैं वो थोड़ा वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बसपा किस आधार पे चुनाव जो है मैंने कि अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, क्या लड़ेगी। तो उस सब चर्च मैंने कि मंथन के बीच जो है ये सब तोड़फोड़ हो रही है और जिन 6 लोगों के आपने कहा अभी उनमें से 1-2 लोगों के नामों की चर्चा पिछले साल जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब भी आया था कि उन्होंने जो है सपा के उम्मीदवार को वो किया है, मतदान किया है या उनके पक्ष में जो है ना ये लोग खड़े थे। तो उस से जो है ये बातें चल रही हैं कि ये लोग बगावत कर सकते हैं। अब देखिए 6 महीना 7 महीना चुनाव का रह गया है, तो 6-7 महीना पहले पार्टी बदल रहे हैं तो उसके पीछे एक ही मंशा है कि हमको जो है ना टिकट मिल जाए सपा से, है ना। दो तो ये जो अभी 6 लोग गए हैं उनमें से 1-2 लोगों का तो मैं जानता हूँ, एक हंडिया के विधायक हैं, एक प्रताप के हैं जो इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं ये लोग, और ये सभी जो है चाह रहे हैं कि सपा से अगली बार जो है ना उनका टिकट जो है ना पक्का हो जाए। इसको इस तरह से भी आप मायावती ने कुछ दिन पहले जो है ना लालजी वर्मा को और अपने राम अचल राजभर को पार्टी से निकाला है ना। तो इसको नजरिए से भी देखिए, ये दोनों लालजी वर्मा और रामचल राजभर मायावती के विश्वस्त लोगों में थे, बड़े मजबूत थे बसपा में, लेकिन इन लोगों को हटाने के पीछे मायावती की अपनी सोच रही है
और ये जो बगावत और अभी जो दिख रहा है कि लोग टूट फूट हो रही है, ये सब लोग जो है ना इन लोगों से भी जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने कहा नहीं है कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि ये धीरे से सपा या भाजपा की तरफ मुड़ेंगे, या तो सपा से जुड़ेंगे या फिर जो है जैसा जिधर पलरा भारी दिखेगा जहां जी, उनको। आपकी बात सही है क्योंकि अभी इन्होंने मेंबरशिप जो है नहीं ली है तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं ये लोग जुड़ेंगे, चाहे सपा से जुड़े, जहां इनको ज्यादा लाभ दिखेगा, जहां इनको लाभ का पद दिखेगा वहां पर ये लोग जाएंगे, और इसमें भाजपा से भी जुड़ सकते हैं, सपा से भी जुड़ सकते हैं। कांग्रेस की अभी बात जो है मैंने कि नहीं चल रही है कहीं से भी। कांग्रेस यूपी में संगठन के तौर पे जो है मुकाबले में कमजोर अभी दिख रही है, और काफी कमजोर है। मैंने जमीनी स्तर पे संगठन की हालत इनकी बहुत जो है अच्छी नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर चुनाव उनको मुकाबला करना है तो इनको भी अपनी जमीनी स्थिति सुधारनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ देखिए, केवल ट्वीट करने से और चीज़ों को उस हिसाब से देखने से बहुत ज़्यादा जो है जमीनी स्तर पर फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आते ही जो है बदल जाते हैं और विषय भी बदल जाते हैं, नए नए विषय शामिल हो जाते हैं। अभी देखिए जो है ना, चुनाव की अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी चुनाव थोड़ा दूर है, तभी से देखिए किस तरह के मुद्दे जो है ना सामने आने लगे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और आपको दिखाऊं बताऊं कि चुनावी राजनीति में जो जोड़ तोड़ चल रही स्थिति देखिए। एक दिन पहले बिहार में क्या हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी सभी राज्यों में जहां चुनाव होने हैं सभी राज्यों में उठापटक चल रही है। हाँ, चली रही है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना में बगावत हो गई, अब उसमें जदयू का हाथ हो, कुछ भाजपा का जो है ना लाभ भी हो, लेकिन इनके आपके जो परशुनाथ जो पशुपतिनाथ पारस थे, जो चिराग पासवान क्या थे, वो पांच लोगों को लेके अलग हुए थे, इसको भी चुनाव के नजरिए से आप देखिए। और अभी जो ताजा चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार में शायद कुछ विस्तार हो तो हो सकता बात है। उन लोगों के आपने बिल्कुल सही कहा, मेन बात ये है कि केंद्रीय स्तर में भी काफी कुछ फेरबदल होने वाला है, तो सबको ये लग रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं कुछ उनकी सेटिंग हो जाए, उसी चुनाव आने वाले हैं। सरकार भी सक्रिय है यूपी के चुनाव के नजरिए से, यूपी सरकार पर तो चुनौती है ही उनको जो है ना अपनी दोबारा से सरकार बनाने की, और फिर जितनी सीटें जीते हैं उतनी ही सीट से फिर दोबारा आने की, और वो भी कोविड के जो पिछले दिनों जो इतनी बड़ी महामारी और इतनी त्रासदी थी उसके बाद तो दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। और बसपा के जो भी विधायक अभी लग रहा है कि पाला बदल रहे, वो सब टिकट के दाव पेच और खरीद फरोख्त की स्थिति वाली और मान मनोवल वाली स्थिति में है कि बसपा हमारे टिकट दे दे तो नहीं जाएंगे, बसपा टिकट अगर गारंटी नहीं देती है तो हम सपा में चले जाएंगे, सपा से अगर नहीं मिली तो भाजपा में चले जाएंगे। तो अभी ये अभी शुरुआत हुई है और अभी आगे और आप इस तरह की चीजें अभी चीजों में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी ने अपने सारे ऑप्शन खोल के रखे हुए हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। आप एक चीज पूछिए, जितिन प्रसाद भी अभी जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस से, और इसकी इतनी चर्चा हुई, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, ये हुआ कि कांग्रेस ने उनकी नहीं थी और फिर वो भाजपा में गए और भाजपा में मंत्री बनाए जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे कि एमएलसी बनेंगे, इस तरह की बातें हुई। लेकिन मिला के देखिए कि इसको चुनाव के हिसाब से देखिए कि जितिन प्रसाद का जाना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो चाहे वो तैयारी चल रही है उसी हिसाब से है।
अब लोग जितिन प्रसाद को ब्राह्मण नेता के रूप में जो है प्रतिस्थापित कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण नेता है और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जो है ना यूपी में ये सब मोहरे बिछाए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। तरह के जातीय समीकरणों इन चीज़ों को आप अभी और देखिएगा। और अगर मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे कि यूपी में कोई चुनाव मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हाल फिलहाल होगा, क्योंकि 6 महीना जब चुनाव में बचे हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार करने कोई इतना मतलब नहीं रहता। जो लोग विधायक मंत्री बनाए भी जाएंगे वो जानते हैं कि 6 महीना में क्या अपने विभाग को समझेंगे और क्या क्षेत्र में काम करेंगे और क्या प्रदेश में समझेंगे। लेकिन इस तरह के जातीय जो है ना समीकरणों को बिठाने के लिए विस्तार हो भी सकता है कि एक विस्तार हो जाए, इसमें कुछ लोगों को जगह दे दी जाए, कुछ लोगों को खुश कर दिया जाए, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, क्षेत्र में घूमेंगे। जी अच्छा, ये जो निष्कासित लोग जिन्होंने आज मुलाकात की है, इन लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में भी जो है जेएसपी में सेंध लगाने की कोशिश की थी। उस दौरान बसपा के 7 विधायकों को मायावती ने निष्कासित कर दिया था। ये विधायक उस समय भी अखिलेश से मिले थे। इन लोगों ने सपा के पक्ष में ही कहा गया था कि वो किया है, मतदान किया है और मायावती ने निष्कासित किया ऑफिशियली कि नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि अगर निकाली होती मायावती तो इन लोगों की सदस्यता चली गई होती है ना, और इनके अभी को उतना बड़े ढंग से नहीं देखने की जरूरत है। देखिए 6 विधायक हों या 9 विधायक हों, थोड़ा सा याद करिए कि 2014 के चुनाव में बीएसपी को कुल 19 विधायक मिले थे, 19 विधायक ही जीते थे इनके, ठीक है। तो अगर ये 6 विधायक अगर आज जो मिले हैं या 7 मिले भी हैं, तो 6-7 विधायकों के अलग होने से कोई बहुत बड़ी टूट पार्टी में हो नहीं रही है। और बसपा जैसी पार्टी जो जमीन से और कैडर बेस पार्टी है, उसके लिए 6-7 विधायक के अलग होने का कोई बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन अभी इनके अलग होने में भी इतने सारे पेच है कि इनको जो अलग गुट के लिए मान्यता के लिए अर्जी देनी पड़ेगी, तो ना सपा के पक्ष सपा के लिए जो है ना विधानसभा अध्यक्ष क्यों जो है देने लगे, और मायावती को क्यों कमजोर करेंगे, दोनों उनके लिए बराबर हैं अभी है ना। बल्कि आप वैसे देखें तो सपा के मुकाबले बसपा भाजपा के ज्यादा करीब बैठती है। जी अच्छा, आज जो दृश्य देखने को मिला उसमें बसपा के जो निष्कासित विधायक अखिलेश से मिलने पहुंचे थे, वहां पे जिला पंचायत के भी अलग अलग जो दावेदार हैं वो भी अखिलेश से मिलने पहुंचे हुए थे। देखिए अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं यूपी में, उसके तारीखों की घोषणा हुई है, तो जैसा पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि पूरे यूपी में सपा ने अधिक सीटें जीती हैं, चाहे उसके अधिक संभावनाएं हैं, तो निश्चित रूप से उस गुणागणित सपा बिठा रही होगी। लेकिन देखिए जिला पंचायत के चुनाव से विधानसभा के चुनाव को आप नहीं जोड़ सकती हैं। जिला पंचायत के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, वो ग्राम प्रधानी के गुटबाजी और ग्राम गांव के विकास और पैसे का दमखम और अपराध के बलबूते और बाहुबल के बलबूते वो चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से जो है ना वो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने होता है, प्रदेश के मुद्दे होते हैं, तो ये लोग अगर मिले भी होंगे पंचायत चुनाव के प्रत्याशी और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी अगर मान लीजिए उनसे मिलते हैं, तो कुछ अपना होगा सपा का कि अपना इन लोगों में से क्या हम मदद ले सकते हैं या इन्हें मदद कर सकते हैं, इस तरह की बातें। देखिए राजनीति में बहुत सारी बातें हम लोग बाहर से सुनते हैं और बहुत बातें अंदर होती हैं, जो अंदर बातें होती हैं वो हम लोगों की जानकारी में नहीं आती हैं। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा जुड़ी हुई है और ज़्यादा उसके जो है ना जुड़ाव हैं, तो जो विधायक जो मिले हैं
ये सब निश्चित रूप से अपने भविष्य, राजनीतिक भविष्य को लेके चिंतित हैं और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जो है ये लोग टटोलने के लिए और उसको सुनिश्चित करने के लिए ये लोग अखिलेश से मिले हैं, है ना। अखिलेश को भी अपनी तैयारी करनी है, उनके अपने जो है ना परिवार हैं, चाचा हैं, बाकी से मिला के। तो अभी जो है चुनाव की ये प्रारंभिक तैयारियां हैं। अभी देखिएगा आपकी इस तरह के कई गुट जो है ना इधर से उधर होंगे और कुछ लोग कांग्रेस में भी जाएंगे, कुछ कांग्रेस से भी निकलेंगे। जिसको जहां लाभ ज़्यादा दिखेगा, कुल मिला के बात यही है कि वो लोग जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे लगता है कि उलट पलट जो होगा भाजपा अपने हिसाब से करेगी और भाजपा की तरफ जाएंगे। अच्छा, 4 साल में बसपा से 11 विधायकों को मायावती ने निष्कासित किया है जी, और ये तो अभी 6 लोग अभी मिलने गए हैं। इससे अलग भी 3-4 विधायक अखिलेश के कांटेक्ट में है। अच्छा, पहले से है। देखिए कुल 19 तो विधायक ही, तो आपने जो हिसाब बताया कि 11 पहले निकाल दिए गए थे, 6 आज गए, तो 11, 6, 17 हो गए, 1-2 पहले, तो पूरा पूरा पार्टी उनकी जो है ना सपा की तरफ जाती हुई दिख रही है। और आप जो कह रही हैं इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी देखिए इस पूरे 4 साल में 5 साल में जो है ना मायावती राजनीतिक रूप से जो है ना बहुत सक्रिय नहीं रही हैं। अब उसके जो भी उनके कारण रहे हो, लेकिन यूपी की राजनीति में मैंने विपक्ष तो वैसे भी कम दिखता है। अभी विपक्ष से जो है ना विपक्ष को ढूंढना पड़ता है बयान लेने के लिए और दिखाने के लिए। मायावती खास तौर से बहुत कम एक्टिव रही हैं और निश्चित रूप से उसको लेके उनके विधायकों में और उनके नेताओं कार्यकर्ताओं में एक होगी भावना कि भाई चुनाव इतना करीब है और उनका भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। तो मोटे तौर पे जो मेरी अपनी जानकारी है कि ये सभी जो विधायक मिल रहे हैं और जा रहे हैं, ये सपा से अपनी सीट पक्की करने के चक्कर में है कि जहाँ से वो जीते हैं कम से कम वहाँ से उनके सपा से टिकट मिल जाए, है ना। तो ये अभी उतने ही ये लोग जो है उसमें मांग में होंगे। बाकी सपा सत्ता में तो है नहीं कि मिलेंगे तो इनको जो है ना मंत्री पद मिल जाएगा या कहीं निगम में और कहीं इनको लाल बत्ती गाड़ी मिल जाएगी, ऐसा कुछ है। तो अभी ये लोग अपनी सीट पक्की करने के लिए ही ये सब जोर मैंने लगा रहे हैं और इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं जी। एक चीज जरूर दर्शक जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभी ये नहीं ले रहे हैं जी। सदस्यता तो जो है इसमें क्या पेच है? देखिए सदस्यता देने में अभी पेच है कि देखिए सदस्यता अगर इनको देंगे तो इनकी विधायकी चली जाएगी, है ना। अगर ये आप अगर अलग गुट बना के देखिए दल बदल विधेयक जो हमारे यहाँ जो लागू है उसमें आपको अगर नया दल बनाना है चाहे नया गुट बनाना हो तो कम से कम 1/3 विधायक होने चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर 19 में से जो है ना 6 या 7 अगर हो भी जाते हैं तो मिल सकता है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है 6 महीने के लिए। 6 महीना बचे हैं उसमें, 6-7 महीने के लोग सपा की विधायक कि क्यों लें और क्यों वो सपा का जो है ना इनको मेंबरशिप दे। अगर सपा की मेंबरशिप देते हैं तो ये खुद ब खुद जो है ना ये इनकी विधायकी चली जाएगी। तो जो विधायक के रूप में इनको जो फंड मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही वो सब जो है ना बंद हो जाएंगी या फिर वो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए जो है इसलिए अभी सपा की जो है ना सदस्यता नहीं देंगे, चाहे मायावती भी इनको अभी निष्कासित करने के लिए जो है ना जोखिम नहीं उठाएगी। ठीक है, ये सब चीजें जो है धीरे धीरे जो है दिसंबर तक, दिसंबर के बाद जो ही चुनाव की घोषणा होगी ये सब चीजें क्लियर होगी। तो अभी थोड़ा सा जो है ना मुझे लगता है कि इंतजार करनी चाहिए इस तरह के राजनीतिक जो है ना फेरबदल, उलट पलट और जो है आवाजाही अभी बढ़ेगी, है ना जी। सभी सभी तरफ काफी टूट फूट की आवाजें आ रही हैं, बिहार में अलग से, एमपी में अलग से,
बंगाल में अलग से और इधर पंजाब में और शुरू हो गया है। सभी जगह पे सरगर्मियां काफी तेज हो गई है चुनाव को देखते हुए। आप देखिए ना कि ये जितने नेता जो है भागा दौड़ी और तोड़ फोड़ उसमें लगे हुए हैं, इनके सभी के जो है ना निगाह में चुनाव है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और अभी इतनी बड़ी त्रासदी से जो है ना देश गुजरा है, उस समय इतनी राजनीतिक गतिविधियां नहीं थी, चाहिए नेता उस समय नहीं दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अचानक जो ही जो कोविड के केसेस घटे हैं, शांति हुई है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अनलॉक होते ही सबसे पहले जो है ना राजनीतिक जो है ना है कि जो है ना घर के उससे बाहर निकले और फिर नए दरवाजे जो है ना तलाश रहे हैं। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी विशेषर जी, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ अपने दर्शकों की तरफ से भी और मेरे लिए समय निकालने के लिए। हम फिर मिलते हैं किसी और इशू पर। जय हिंद, जय भारत।